Yes, good morning, students. In the chapter industrialization, we have covered topic proto-industrialization. And after that, we have covered coming of factory system in England. And with the coming of factory system in England, the life of workers suffered a lot. And many workers, they started attacking on different kind of machines. And these machines, one example is these machines that was spinning Jenny. This machine was devised by James Hargreaves. And why the people they attacked? Because they became unemployed. Why these people they became hostile? Kyun wo is new technology se hate karte the? Kyunki is nayi technology ke aane se un logon ko kya kar diya tha? Replace kar diya. And un logon ko alag alag jobs और अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखनी पड़ी. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ब्रिटेन में बहुत ज्यादा लेबर थी. तो ब्रिटेन में के जो लोगों को प्रॉब्लम ये आई कि अब वो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज से उनको रिप्लेस कर दिया गया. नाउ मेनी पीपल दे शिफ्टेड टू अमेरिका. उस टाइम पीरियड में फिर ब्रिटेन से बहुत से लोग कहां पे चले गए? अमेरिका. बिकॉज इन अमेरिका शॉर्टेज ऑफ पॉपुलेशन वॉज देयर. एंड अमेरिका जो था लेबर शॉर्टेज के कारण अमेरिका में बहुत से लोग ब्रिटेन और बाकी कंट्री से जा रहे थे फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. 1840 के बाद ब्रिटेन और अमेरिका जैसी बहुत सी कंट्रीज में बिल्डिंग एक्टिविटीज की स्टार्टिंग हुई. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फिर धीरे धीरे लोगों को काम मिलना शुरू हो गया. यानी कि जिन लोगों को कॉटन इंडस्ट्री से अनएम्प्लॉयड कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था. नाउ आफ्टर 1840 व्हेन इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड इन बिल्डिंग सेक्टर कंस्ट्रक्शन एंड एट दैट टाइम मेनी पीपल दे गॉट एम्प्लॉयमेंट एंड दे गॉट जॉब्स. इट मींस इसका मतलब क्या है? जब हम 1840 की बात कर रहे हैं, हमेशा आगे की सेंचुरी, मतलब ये कौन सी सेंचुरी है? अगर 1840 है तो ये कौन सी सेंचुरी है? ये कौन सी है? 19. तो 19 सेंचुरी में हाफ यानी कि पहले फेज में मैनी पीपल दे हेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स, दे अटैक. लेकिन लेटर ऑन यानी कि 19 सेंचुरी के हाफ यानी कि 1840 के बाद ब्रिटेन में बिल्डिंग सेक्टर कंस्ट्रक्शन और बहुत सी एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की. देन दीज वर्कर्स who were unemployed, they got job opportunities. So conclusion of this part, ये हमने first part cover किया है. Europe industrialization, यानी कि Europe में जो industrialization आई थी, that brought blessings and as well as curse. Blessings in the form of new technology and curse in the form of for those people who became unemployed and they were replaced with the coming of machines. This part is clear, ठीक है? अब हम करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. अब ये जो पार्ट है, ये हाफ पार्ट वी हैव कवर्ड, देन हाफ पार्ट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. इस पार्ट को हमने टू पार्ट्स में पढ़ना है बेटा. एक तो हमने पढ़ना है बिफोर कॉलोनियल रूल, फिर हम पढ़ेंगे आफ्टर. आफ्टर मीन्स या फिर हम ये कह सकते हैं कि या द टाइम पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अंडर कंपनी रूल. तो ये माना जाता है कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किसके कारण आई? ड्यू टू कंपनी रूल, ड्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ड्यू टू ब्रिटिश रूल. लेकिन इससे पहले भी इंडिया वॉज फेमस इन द वर्ल्ड और इंडिया की सबसे बेस्ट जो है वो सप्लाई ऑल ओवर वर्ल्ड को क्या हो रही थी? कॉटन एंड सिल्क. कॉटन की बात करें तो रॉ कॉटन नहीं बल्कि कॉटन टेक्सटाइल. टेक्सटाइल इट मीन्स इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल पूरे यूरोप में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी बहुत डिमांड. इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के आने से पहले
इंडिया का ट्रेड बहुत सी कंट्रीज के साथ होता। नाउ यू हैव टू नोट डाउन द कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया में आती थी। इंडिया को गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहते थे, बिकॉज एट दैट टाइम पीपल इन इंडिया दे वर वेरी रिच, और यही रीजन है कि इंडियंस दे वर अटैक, दे वर इन्वेडेड सेवरल टाइम्स बाय द इन्वेडर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो हमने अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टू मेन कमोडिटीज और आइटम्स विच वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड। कॉटन टेक्सटाइल एंड सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल एंड सिल्क। नेक्स्ट ट्रेडिंग ऑफ इंडिया, इंडिया की ट्रेडिंग किसके साथ होती थी। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग ऑफ इंडिया, इंडिया ट्रेडेड विद सेंट्रल एशिया, इंडिया ट्रेडेड विद, यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट किसके साथ मेन होता था, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, पर्शिया, अर्मेनिया, अर्मेनिया, यानी कि एंशियंट टाइम पीरियड में इंडिया का जो ट्रेड था वो किन कंट्रीज के साथ होता था, सेंट्रल एशिया, देन पर्शिया और अर्मेनिया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट रूट क्या होता था, दोनों ही रूट होते थे, लैंड भी और सी रूट, बाय लैंड एंड सी रूट, यानी कि लैंड भी और सी रूट। शिप में कॉटन और सिल्क जो है उनके कंसाइनमेंट्स अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, एक्सपोर्ट किया जाता था। और कौन कौन से पोर्ट्स, अब हमें पोर्ट्स के नाम बताने हैं आपको, कि पोर्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए कि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स थे उनके नाम क्या थे। नंबर वन सूरत ऑन गुजरात कोस्ट, देन हुगली, हुगली इन बंगाल। हाँ जी बेटा, हुगली इन बंगाल। थर्ड मसौलीपट्टनम, इन कोरोमंडल कोस्ट। सो लर्न द नेम ऑफ दीज पोर्ट्स एंड देयर कोस्टल एरियाज। इसका मतलब है एट दैट टाइम फ्रॉम इंडिया शिप्स वर एक्सपोर्टेड, मीन्स सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपोर्टेड थ्रू दीज पोर्ट सिटीज। कौन कौन सी पोर्ट सिटीज इंडिया में उस समय बहुत फेमस थी, सूरत सिटी, सूरत सिटी कहाँ पे है, गुजरात कोस्ट, हुगली बंगाल, मसौलीपट्टनम, इन कोरोमंडल कोस्ट। यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ दीज पोर्ट सिटीज एंड कोस्टल एरियाज। और मेनली उस टाइम पीरियड में इंडिया का जो ट्रेड था वो किसके साथ ज्यादा होता था, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट की तरफ एशियन कंट्रीज जो है, मोस्टली जो एशिया की साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, अब आपने इनके नेम याद रखने हैं पहले तो। अब हमने ये बताना है, ये तो हमने बताया पहले यानी कि बिफोर कॉलोनियल रूल, लेकिन आपको पता है जब हमारी कंट्री में कंपनी रूल आया देन ये आपने सेवंथ एट में पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फोर क्या हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज डेक्लाइन। व्हाई, अब हम ये पढ़ेंगे बेटा, व्हाई विद द कमिंग ऑफ कंपनी रूल ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिशर्स importance of these areas decline, इतने important areas थे ये, सूरत, हुगली, मसौलीपट्टनम, ठीक है, इनकी importance क्यों खत्म हो गई। ठीक है, अब हम next part पढ़ेंगे, under company rule, इसमें याद रखो EIC, East India Company granted monopoly, monopoly का मतलब होता है right to trade, यानी कि when East India Company came in our country,
slowly and gradually they granted right to trade from the rulers. उस टाइम पर पीरियड में हमारी कंट्री में मुगल रूलर्स थे. देन ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आई को ट्रेडिंग करने के लिए थी. सारा आपने एर्थ में पढ़ा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई को ट्रेडिंग करने के लिए थी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे पॉलिटिकली कंट्रोल. बैटल ऑफ प्लासी आपने पढ़ा, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, दीवानी राइट्स मिले, और कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आके कंपनी रूल ने सारा जो है वो सिस्टम चेंज कर दिया. सो देन ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट मोनोपोली राइट इन इंडिया, राइट टू ट्रेड. Then they set up many factories. इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इंडिया में आकर बहुत सी फैक्ट्रीज, वेयर हाउस और स्टोर हाउस जो है वो बनाने शुरू कर दी. और जिन एरियाज में इनके ऑफिस होते थे, इनकी फैक्ट्रीज होती थी, उन एरियाज को उन्होंने ज्यादा डेवेलप किया. कौन से एरियाज को डेवेलप किया? बॉम्बे एंड कैलकटा. अभी तो कैलकटा का नाम चेंज हो गया कोलकाता, लेकिन यहाँ पे कैलकटा ही लिखोगे. इसका मतलब है विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इंपॉर्टेंस ऑफ सूरत, हुगली एंड मसौलीपट्टनम डिक्लाइन. और किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी? यस, बॉम्बे एंड कैलकटा. रीजन क्या? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी दे सेट अप मेनी फैक्ट्रीज इन दीज सिटीज, और यहाँ से सारा वो ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस करते थे. तो जहां पे वो ट्रेडिंग करेंगे, इनको प्रेजिडेंसीज बना लिया. प्रेजिडेंसीज का मतलब होता है इंपॉर्टेंट सिटीज, इंपॉर्टेंट जहां पे इनके ऑफिस होते थे, जहां पे इनकी मीटिंग्स होती थी. एंड विद दिस हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट जो कोस्टल एरिया थे, पोर्ट सिटीज थी, धीरे धीरे वहां पर जो है लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. यहाँ पे बहुत से लोगों का ट्रेड जो है वो खत्म हो गया. नाउ दे वर यू कैन से फोर्स टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी. व्हाइट टाउन, हाँ, स्पेशल एरिया इन विच दीज यू कैन से कंपनी रूलर्स, गवर्नर्स, दे लिव्ड विद देयर फैमिलीज. क्लियर? सो इसके बाद फिर हमने बताना है ट्रेड की वैल्यू. राइट डाउन, डेटा नोट करोगे. सूरत, हमने ये जस्ट एग्जांपल बताना कि सूरत में कितना लॉस्ट हुआ. सूरत अर्लियर 16 मिलियन ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड वॉज कैलकुलेटेड इन सूरत. 16 मिलियन ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड वॉज कैलकुलेटेड पहले, मतलब 1740 से पहले, 1740 बिफोर 1740 द वैल्यू ऑफ ग्रॉस ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है पूरा ट्रेड जो सूरत में होता था, कितना था? 16 मिलियन. लेकिन 1740 में कितना रह गया? इन 1740 इट रिड्यूस अप टू ओनली 3 मिलियन. तो क्या शो करता है? पहले सूरत में कितना ट्रेड, कितनी इनकम होती थी सूरत के ट्रेड में? 16 मिलियन. बट नाउ इट रिड्यूस टू 3 मिलियन. तो ये जस्ट एक डाटा शो करता है कि सूरत में कितना लॉस हुआ होगा. और सिर्फ सूरत ही नहीं, और भी सिटीज जो थी ब्रिटिशर्स के आने में, इनका ट्रेड जो है वो कितना लॉस हुआ. देन अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर. किस तरह से हमारी कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनी रूल एस्टेब्लिश किया, और हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा. ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल रूल एंड लाइफ ऑफ बीवर्स. नेक्स्ट हेडिंग, ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल रूल एंड कंडीशन ऑफ वर्कर्स एंड वीवर्स. वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, वीवर्स जो कपड़ा बुनते थे. यस बच्चे, इसमें आप वन बाय वन पॉइंट्स लिखते थे, साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे. यू नो British, you can say these were not the only those who came from Europe. Other than this, many European powers came in India. Dutch, Portuguese, Spanish, okay, first of all write down. Other than Britishers, which European powers also came in India to trade? Other than Britishers, which European powers came into
इंडिया फ्रॉम यूरोप, ये यूरोपियन यूरोपियन ही थे. नंबर वन फ्रेंच, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज. पोर्टुगीज की स्पेलिंग देखो. फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज. आउट ऑफ दीज ब्रिटिशर्स वर विक्टोरियस. इन सब में से ब्रिटिशर्स दे वर विक्टोरियस. विक्टोरियस का मतलब होता है कि उन्होंने यहाँ पर रूलर से क्या लिया, ग्रांट किया मोनोपोली, और इन सभी पावर्स के साथ जो कॉम्पिटिशन था एलिमिनेट कर दिया. नाउ ब्रिटिशर्स वर द ओनली पावरफुल यूरोपियन पावर इन द कंट्री. सबसे पहले तो ये बताओ कि जब ये उस टाइम पीरियड में आए, इनको इनके साथ भी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा. बिकॉज फ्रेंच, डच एंड पोर्टुगीज दे ऑल्सो वॉन्टेड टू बाय कॉटन एंड सिल्क फ्रॉम इंडिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली राइट लेकर इनको एलिमिनेट कर दिया. देन सेकेंड, सिस्टम ऑफ एडवांस. कंपनी ने इंडिया की ट्रेडिंग को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए यहां पर क्या जो है नया नई पॉलिसी बनाई, सिस्टम ऑफ कंट्रोल. सिस्टम ऑफ कंट्रोल और सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, कुछ भी कर सकते हो आप, सिस्टम ऑफ कंट्रोल कह लो, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. इसमें सबसे पहले उन्होंने किसको अपॉइंट किया, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो मार्शल. गोमास्थास कौन थे? गोमास्थास पेड सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. यानी कि इनको सैलरी कौन देती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट या कंपनी. इनका मेन काम क्या होता था? ये गोमास्थास अलग अलग विलेज एरियाज में जाते थे, वहां पर वीवर्स जो लोग कपड़ा बुनते हैं ना, उनको क्या देते थे? एडवांस. सेम जैसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में न्यू मर्चेंट्स विलेज में जाकर करते थे, ठीक है, ये गोमास्टर्स क्या करते थे, अलग अलग विलेज एरियाज में जाकर पहले तो वीवर्स को ढूंढते थे जो उनके लिए कपड़ा बनाएंगे, उनको एडवांस देते थे, और क्या देते थे? रॉ मटेरियल. यानी कि विलेज एरियाज में जाकर उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है, और उसके बाद सुपरविजन भी करते थे, ये सुपरवाइज करते थे वर्क को. जैसे आपको याद है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में न्यू मर्चेंट्स विलेज एरियाज में जाते थे, और फाइनल यानी कि कपड़ा बन जाने के बाद जो फाइनल डिलीवरी होती थी वो फिर ये बाद में उनसे लेते थे, फाइनल क्लोथ. यस, आई एम रिपीटिंग, व्हाट डू मीन बाय गोमास्थास? वन मार्क क्वेश्चन. गोमास्थास वर द पेड सर्वेंट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनी. व्हाट वॉज देयर वर्क? व्हाई दे वर अपॉइंटेड? नंबर वन, देयर मेन वर्क वॉज टू गिव एडवांस टू द वीवर्स. वीवर्स को एडवांस देते थे, रॉ मटेरियल भी देते थे, जैसे कॉटन देते थे, रॉ कॉटन, और उसके बाद ये वीवर्स उनके लिए काम करते थे, उनके काम को ये सुपरवाइज भी करते थे, एंड पूरा काम करने के बाद जब फाइनल क्लोथ बन जाता था तब ये गोमास्थास यानी कि मिडल मैन. मिडल मैन का मतलब क्या है कि ये कंपनी और इंडियन वीवर्स के बीच में मिडल मैन होते थे. लेकिन एक चीज याद रखना, दे वर वेरी क्रूअल. नो डाउट वो थे तो इंडियन, वो इंडियंस ही होते थे, लेकिन ये इंडियंस की फेवर नहीं करते थे, क्योंकि इनको कंपनी मनी पे करती थी. तो ये क्या करते थे, कई बार अगर फार्मर फाइनल क्लोथ या फिर किसी भी तरह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते थे, तो ये गोमास्थास पुलिस लेकर या आर्मी लेकर इन विलेजर्स को पनिश भी करते थे, एक्सप्लॉइट भी करते थे. So it means at that time in our country, weavers were not, you can say, in the good condition when many Gomashtas, they exploited these Indian weavers. क्योंकि उस time period में company का main motive क्या था, ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बनाया जाए, cotton textile जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनाई जाए, ताकि all over world जो है India को उन्होंने एक market बना दी. India उस time period में उनके लिए एक market थी जहां से वो cheap labor, यानी कि लोगों को कम मनी मिलती थी. लेकिन आपको पता है जब ये कॉटन टेक्सटाइल फॉरेन कंट्रीज में बिकता था तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता, रेट वाज वेरी हाई,
एंड सैलरीज और वर्क जो इनको पे किया जाते थे, वेजेस इनको जो दिए जाते थे, दीज वर वेरी लो. सो दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम एट दैट टाइम. मैनी वर्कर्स दे फेस एट्रोसिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय दीज गोमास्तास. ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम थी गोमास्तास की. अब एक और वर्डिंग लिखो, कई बार आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. 1772, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. 1772, हेनरी पेटुलो बच्चे ये उस टाइम पर में ब्रिटिश ऑफिसर थे. उन्होंने इंडिया की कॉटन की बहुत ज्यादा प्रेज की. उन्होंने ये कहा कि इंडिया की कॉटन की जो फाइन वैरायटी है ना, वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं. तो इसकी स्टेटमेंट नोट करो, डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, एक बार आ जाता है हु सेड दीज वर्ड्स, है ना. डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस, डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस, नो अदर नेशन प्रोड्यूस सेम क्वालिटी, नो अदर नेशन प्रोड्यूस सेम क्वालिटी. ये स्टेटमेंट किसने दी थी? हेनरी पेटुलो. कौन से ईयर में? 1772. ठीक है, तो कई बार वन मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है एमसीक्यू बेस्ड. हू सेड दीज वर्ड्स. अब आप ये देखो कि ब्रिटिशर जो हैं वो इंडियन टेक्सटाइल की प्रेज कर रहे हैं. उन्होंने ये कहा कि इंडिया के टेक्सटाइल की डिमांड जो है या फाइन वैरायटी इतनी ज्यादा है कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन आपको पता क्या हुआ, जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी, वो मिल्स जो है वो इंग्लैंड में मिल्स सेटअप हो रही थी, अब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, जिस टाइम पर में इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि हमने ये टाइम पढ़ा है 1772, ठीक है, ये वो टाइम है जिस टाइम पीरियड में अभी ब्रिटेन में प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है फैक्ट्रीज बन रही थी. अब इस टाइम तक इंडिया के टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज्यादा थी. लेकिन अब आगे क्या प्रॉब्लम आई, जब इंग्लैंड में मिल्स बनने लग गई, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो इन मिल्स के ओनर्स ने अपनी कंट्री की गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल जो है उसको क्या कर दे, स्टॉप कर दे, और इनकी मिल्स में जो कॉटन टेक्सटाइल बन रही है इसको प्रमोट करो, बिकॉज नाउ दे वांटेड टू स्टॉप इंडियन टेक्सटाइल, बिकॉज मिल्स वर ओपन्ड इन द इंग्लैंड, इंडस्ट्रीज वर ओपनिंग इन द इंग्लैंड. ये अब चाहते थे कि इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पे आ रहा है इसको रोक दो. ठीक है, और इस टाइम पीरियड में काफी हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी फेवर में पॉलिसीज बनाई और इंडिया के कॉटन एक्सपोर्ट को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया. और अब इंडिया जो है वो कॉटन एक्सपोर्ट नहीं बल्कि रॉ कॉटन भेजने लगा, जो इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहले टेक्सटाइल सप्लाई कर रहा था, अब इन कंट्रीज को, इन कॉटन मिल्स को इंडिया से टेक्सटाइल नहीं चाहिए था बल्कि क्या चाहिए था, रॉ कॉटन. तो अब खुद सोचो कि लॉस किसको हुआ, इंडिया को, बिकॉज दीज कंट्रीज और मिल्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट दे वांटेड टू प्रमोट इंग्लैंड टेक्सटाइल, इंग्लैंड का जो कॉटन टेक्सटाइल, और उसका लॉस इंडिया को हुआ. अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या लॉस है, ठीक है, 1772 के बाद का टाइम पीरियड. ठीक है, हाँ जी, राइट डाउन. लॉन्ग डेक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट कि इंडिया का एक्सपोर्ट कैसे डेक्लाइन हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम आई इंडिया को. हाँ जी, लॉन्ग डेक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट. 1811-12 इस पर्टिकुलर ईयर तक इंडिया से 33% कॉटन टेक्सटाइल जो है वो जाती थी, मतलब पूरे वर्ल्ड में से इंडिया से 33% कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन.
लेकिन जब ब्रिटेन में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई तो 1851 में कितना रह गया? ओनली 3%। अब आप खुद सोचो 1811-1812 के ईयर में 33% इंडिया से टेक्सटाइल पर जो है पूरे वर्ल्ड का इंडिया से जाता था, कितना शेयर था इंडिया का। लेकिन 1851 में ये कितना रह गया? ओनली 3%। जो ये शो करता है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से लॉस किसको फेस करना पड़ा? इंडिया को। ये कॉटन का असर है, क्योंकि हम मेन कॉटन का ही बता रहे हैं, बिकॉज कॉटन वाज अ लीडिंग सेक्टर इन इंग्लैंड, एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि इंडिया की डिमांड जो है वो किस तरह से कम हो गई। ठीक है, एंड दूसरी पॉलिसी क्या थी? ये तो पहली पॉलिसी थी कि मैंने क्या किया, इंडिया के टेक्सटाइल को रोक दिया। अब दूसरी पॉलिसी क्या अडॉप्ट की? ब्रिटेन की मिल में से जो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा था ना, वो चाहते थे कि वो कहाँ जाए? इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल को वो प्रमोट नहीं करना चाहते थे, उसको खत्म करना चाहते थे, ताकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस किसकी बने? जो ब्रिटेन की कॉटन है, ब्रिटेन का जो टेक्सटाइल है, और वो चाहते थे कि ब्रिटेन से कॉटन टेक्सटाइल जो है वो इंडिया में बिके। और इंडिया में लोग बहुत फैसिनेटेड हो रहे थे कि वेस्टर्न क्लॉथ खरीद रहे हैं, और धीरे धीरे जितने भी वेस्टर्न यूथ थे वो इंडियन क्लॉथ को छोड़कर कौन सा क्लॉथ खरीद रहे थे? वेस्टर्न। मतलब दोनों तरफ से ही। अब आप खुद सोचो कि इसमें किस किस को प्रॉब्लम आई होगी इंडिया में। पहले तो जो वीवर्स, इंडियन वीवर्स जो कपड़ा बना रहे थे, और वर्कर्स को प्रॉब्लम आई होगी। थर्ड, इंडिया से अब रॉ कॉटन सप्लाई हो गया, तो इंडिया में रॉ कॉटन भी क्या हो गई? शॉर्ट है। तो दिस वाज अ रीजन एट दैट टाइम विद द कमिंग ऑफ यूरोपियन रूल्स मैनी पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड, एंड मैनी पीपल फार्मर्स और वीवर दे फेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और कंज्यूमर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? कंज्यूमर्स जो कपड़ा खरीदते थे, अब उनको इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल है उसकी जगह वो ब्रिटेन की जो कॉटन टेक्सटाइल है वो खरीदना शुरू हो गए, क्योंकि उनके लिए वेस्टर्न क्लॉथ था। उस टाइम पर बहुत से लोग अपने आप को वेस्टर्न कल्चर में प्रमोट कर रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने इंडिया का क्लॉथ छोड़कर वेस्टर्न कल्चर जो है उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। यही आपने बाद में पढ़ा था ना नेशनल इन इंडिया में, जब क्या किया था महात्मा गांधी जी ने, स्वदेशी अपनाओ और फॉरेन क्लॉथ को क्या कर दो। ये तो बाद की बात है ना, हमने जब पढ़ा है स्वदेशी मूवमेंट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंचुरी ऑफ 1851 when the demand of cotton textile in European countries reduced and it reduced up to only 3%. Clear? हाँ जी बैठो, एक मिनट समझाते। यस, जैसे राघव सुधारा ने अभी क्वेश्चन पूछा कि कॉस्टली क्यों होती, बच्चे याद रखना हैंडमेड गुड जो होती है ना, हैंडमेड क्लोथ हमेशा कॉस्टली होता है और मशीन मेड गुड्स हमेशा सस्ती होती है। रीजन क्या? जब ब्रिटेन की मिल्स, क्योंकि मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रही थी और वो कॉलोनीज में सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि यूरोपियन के जो किंग्स और क्वींस थे वो हैंडमेड क्लोथ प्रेफर कर रहे थे और वो कॉलोनीज में सप्लाई कर रहे थे, तो इंडिया वाज एट दैट टाइम द कॉलोनी। इंडिया के लोग सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को सोच कर ही ब्रिटेन का कपड़ा खरीद रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ब्रिटिशर्स ने जब अपने ब्रिटेन जो ब्रिटिश मिल थी इंडिया में उसको लॉन्च किया, तो स्टार्टिंग में उसका रेट कम रखा, ताकि लोग जो हैं वो इंडियन टेक्सटाइल को छोड़कर कौन सा टेक्सटाइल खरीदे? फॉरेन। और धीरे 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 बाद में रेट इसका जो है वो बढ़ा दिए। अब अगर आज की बात करें तो हमारी कंट्री में बहुत से फॉरेन ब्रांड्स जो हैं, ठीक है, कॉस्टली हैं, बट स्टिल पीपल दे प्रेफर टू बाय दीज फॉरेन ब्रांड्स। व्हाई? दैट इज अ स्टेटस सिंबल, है ना। तो उस टाइम पीरियड में भी लोगों ने कॉस्ट की परवाह नहीं की कि ज्यादा है या कम है, उस टाइम पीरियड में उनको सिर्फ ये था कि दे आर बाइंग वेस्टर्न क्लोथ। इट इज क्लियर? एनी डाउट? बच्चे मैंने जितना करवाया ना, ये आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट है। जितना मैंने आज तक करवाया ना, ये आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट है। गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगा, एमसीक्यू, और इसमें इंडिया का पार्ट नहीं कवर करेंगे, हम यूरोप का कवर करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। क्लियर? ठीक है, हाँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट?
चैप्टर इज क्लियर बेटा? अच्छा एक और बात बच्चे, जो आपने कॉपीज बनानी है ना, कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम नेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी कॉपीज अभी ना बनाएं तो छोड़ दो क्योंकि वो टर्म टू में आनी है, लेकिन टर्म वन की नोटबुक से आपके मार्क्स हैं तो प्लीज सभी स्टूडेंट्स अपनी टर्म वन तक की जो नोटबुक है उसको कम्प्लीट करो। अगर नहीं बनाई है तो टर्म वन में आपके चैप्टर कौन कौन से है, फर्स्ट इज यूरोप, उसकी कॉपी सबकी चेक होंगी, और दूसरा सिविक्स का पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, ये आपने कॉपीज बना लेनी है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है ना, इसके एंड में जब पूरा चैप्टर हो जाएगा बैक एक्सरसाइज के एनी फाइव क्वेश्चन यू कैन राइट, क्लियर? एनी फाइव बैक जो है वो क्वेश्चन यू कैन राइट, और कॉपीज आपकी टर्म वन की पूरी कंप्लीट हो जाए क्योंकि आपके मार्क्स हैं एंड दीज मार्क्स विल बी इंक्लूडेड इन योर इंटरनल असेसमेंट। ओके, चाहे किसकी कॉपी चेक हो भी चुकी है, मैंने फिर से मंगवानी है,